आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर सिटी पार्क में। अब हम बात करेंगे, आज एक भाई है जो जिनका काफ़ी पॉपुलर चैनल है, और बात करेंगे कि इनसे ही जानेंगे कौन है और किधर से बिलोंग करते हैं। और फॉलोअर्स की बात करें तो सोशल मीडिया पर करीबन 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आपका सपना? मेरा नाम दीक्षांत सैन है। तो आप देख सकते हो एल्बर्ट फेयर के सोशल मीडिया पे धूम मचा रहे हैं, मतलब कि ये काफ़ी वायरल हैं और काफ़ी वीडियो इनकी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। तो अभी इनसे कहेंगे, एल्बर्ट हटा के इनका परिचय बताए। जय श्री राम सबको। पहले मेरा नाम दीक्षांत है और मैं 17 साल का हूँ जी। सर आप किस टाइप की वीडियो बनाते हैं और आपका चैनल का नाम क्या है सर? मैं सर पब्लिक रिएक्शन वीडियोज़ बनाता हूँ और कॉमेडी वीडियोज़ हैं, और मैं बस राजस्थान को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अपने जयपुर। आप इस लाइन में कब से हो, कितना टाइम से हो? मैं सर ऐसे तो 8 साल का था जब से हूँ। पहले मैं टेक्निकल वीडियोज़ बनाता था जी। फिर उसके बाद बीच में मैंने प्रैंक किया था, बट मेरा चैनल वो डिलीट हो गया था। मेरे कम से कम उसमें 8,000 फॉलोवर्स थे, उसके बाद वो डिलीट हो गया। फिर उसके बाद मैं रुक गया, मेरे को लगा अब नहीं होगा। फिर उसके बाद वापस मैंने स्टार्ट किया, बट इन 4 महीनों में मेरे को नहीं पता था कि इतना सब कुछ चेंज हो जाएगा जी। तो आप देख सकते हो इनका कहना है कि 4 महीने के अंदर इन्होंने 1.5 लाख फॉलोअर्स किया है, मतलब इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि इतनी मेहनत कोई हर एक नहीं कर सकता, और काफ़ी मुकाम तक पहुँचे हैं, और आशा है कि ये आगे भी काम करेंगे। और दूसरी बात करेंगे सर कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको? सर फैमिली का तो फुल सपोर्ट है। क्या शुरुआत में इतना ही सपोर्ट था जो अभी प्रेजेंट के अंदर है? नहीं, शुरुआत में नहीं था। बोलते थे कि क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, काम कर ये कर। और बस अब तो यानी आसपास के लोग बोलते हैं उनको आके कि तेरा बेटा देखिए कितने फॉलो, यानी इतना आगे बढ़ गया, तो अब उनको अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को एक अंदर से अच्छा लगता है ये। और अपने फैमिली के अलावा बात करते हैं, रिलेशन में कितना सपोर्ट करते हैं, कितना क्या है आपको? रिलेशन वाले कुछ भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ये और बोलते हैं कि क्या कर रहा है, नचनिया वचनिया। और पे वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाते टाइम पे कोई आपको ऑब्जेक्शन वगैरह करता हो या फिर कोई ऐसा कोई बात हुई कभी? ऐसा तो सर कुछ नहीं हुआ कभी, कुछ कोई कोई नाराज है जैसे वीडियो शूट करते हैं पे कोई नाराज हुए हो आपसे? ना सर ऐसा नहीं रहता। वीडियो शूट हो जाती है, उसके बाद हम आगे से उन्हें बताते हैं, सॉरी मांग लेते हैं, और फिर परमिशन लेते हैं कि ये वीडियो जाएगी और वायरल होगी, तो वो फिर उनसे परमिशन लेने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपलोड करते हैं, वरना ऐसे अपलोड नहीं करते। अच्छा, पहले या परमिशन लेते हो या फिर पहले? नहीं, वीडियो बनाने के बाद शूट करते। वीडियो बनाने के बाद? हाँ चलो ठीक है, क्योंकि सर फिर रिएक्शन से नहीं आते जी। आपके टीम कौन कौन सी है सर? सर टीम में ये भैया है मेरे बड़े भैया, ये कैमरा मैन ही करते हैं, और ये दी हैं, ये भी कई वीडियोस में यानी हेल्प करते हैं। देखा है सिस्टर को काफ़ी वीडियो में अंदर। और दूसरी बात करते हैं, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार मिरोठा है। सर आप दीक्षांत के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या इनके वीडियो के अंदर काफ़ी लोग इनका विरोध भी करते हैं और हो सकता है गंदे गंदे कमेंट भी आते हो, तो क्या कहना चाहोगे? देखो मैं दीक्षांत से मिला था आज से 1.5 महीने पहले, मैं इनकी वीडियो ही देखी थी, वो सिटी पार्क में जो हेलमेट वाली वायरल हुई थी, आपने सबने देखी होगी जयपुर वासियों ने, तो उस वीडियो पर मैं इनसे मिला था उस वीडियो के थ्रू, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स नेगेटिव भी आए थे, पॉजिटिव भी आए थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो नेगेटिव कमेंट करता है वो अपने घर वालों के संस्कार बताता है, जो पॉजिटिव कमेंट करता है उसको सोशल मीडिया का पावर और सोशल मीडिया पर जो वर्क करता है, काम करता है, मेहनत करता है, उसका उनको नॉलेज होता है। और दीक्षांत की रही बात, वीडियो वगैरह बनाते हैं, ये कॉमेडी वीडियो वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और हो सके तो राजस्थान और जयपुर में भी बहुत मज़ा आता होगा। बहुत काफ़ी फैंस हैं इनके, वो इनको सपोर्ट भी करते हैं, हेट भी करते हैं, बट हेट करने वाले वो उनकी तरफ से करते हैं, वो पता नहीं किस तरीके से करते हैं, बट इनकी ऐसी वीडियोज़ के अंदर कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि जो हेट करने लायक हो। कॉमेडी बना, कॉमेडी वीडियो, रिएक्शन वीडियो होती है, सिंपल जी। तो आप कैमरा मैन उनके हमेशा साथ देते हो? जी मैं तो इनका हमेशा साथ दूंगा, चाहे आज अभी 1.5 लाख पे है या 1 मिलियन या 4 मिलियन होंगे, जब तक मैं हूँ जब तक ये भी मेरे साथ रहेंगे और मैं भी इनके साथ रहूँगा। और हम टीम की बात करते हैं, और हमारे साथ में मैडम जी है, तो आपका सुनना रिया, आप इनको कितना कोऑपरेट करते हो? फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से तो, और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कुछ गलत वीडियो तो बनाते नहीं है। और मैं कहना चाहूँगी उनके लिए जो गलत कमेंट करते हैं, ये कुछ गलत नहीं करते, ये लोगों को हंसाते हैं, और हंसाना भी एक आर्ट है, और ये इनके अंदर बहुत अच्छे से है, अच्छे अच्छे रोते हुए इंसानों को ये हंसा सकते हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट है, और ये मतलब इनकी हिम्मत है कि ये किसी को हंसा सकते हैं, और मतलब हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट रहेगा हमेशा। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम दर्शन गुजर है। तो ये भैया हैं जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो आपके किस तरह इनको सपोर्ट करो, क्या कहना चाहोगे, आप किस तरह मेहनत करें? देखो मैं तो इनको यही कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक की जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट कर रही है उनको, जैसे प्यार की स्टोरी ज़्यादा है या फिर कॉमेडी वगैरह पसंद आ रही है, तो उन पे उनके हिसाब से अच्छे स्तर पे वीडियो बनाएं और पब्लिक को जितना हो सके उतना हंसाए,
और फिर ये भैया बोल रहे थे कि कुछ लोग इस पर कमेंट भी करते हैं, उसमें गालियाँ देते हैं, तो मैं उनके बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपने अपने संस्कार दिखाते हैं और मेरा भाई के लिए पूरा पूरा सपोर्ट है। कोई तरह की परेशानी होगी मैं इसके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं प्रेजेंट के अंदर सर? अभी सर मेरे अभी 1.5 लाख। 1.5 लाख है तो ये 1.5 लाख 4 महीने के अंदर ग्रोथ किया है जी। तो आप अभी आगे कौन सी वीडियो लाने वाले हो तो बता पाओगे? और तो बाकी आप ये बस मेरे को ये मैं पब्लिक रिएक्शन बनाता हूँ, आप सब कमेंट्स करिए कि किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो मैं उस तरह का नया नया कुछ लाता रहूँगा जो पब्लिक को पसंद आ रहा है। जिस टाइप की वीडियोस आती है तो आप कमेंट करिए कमेंट कर दिया करो, मैं वीडियोस लाया करूँ जी। अभी तक क्या कॉमेडी वीडियो है या इसके अलावा कोई ब्लॉगिंग वगैरह भी आपके चैनल पर डली हुई है? ना ओनली कॉमेडी वीडियोज ही बनाता हूँ मैं, ये प्रैंक वीडियो कॉमेडी वीडियो बनाते हो। तो आगे क्या लगता है जो गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं उनकी वजह से आप रुक जाओगे फिर आगे बढ़ोगे? ना मैं नहीं रुकने वाला, ऐसे मैं चलता रहूँ रुकना। अच्छा, तो आगे आप राजस्थान टीवी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बस सपोर्ट करते रहिए, ऐसे में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और बाकी जिसको गाली वाली बकते उनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है जी। तो मैं तो करता रहूँगा, आप बकते रहिए। तो ये थे दीक्षांत जी जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और काफ़ी लोगों के बीच में वीडियो बना करके लोगों को हंसाते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि इनको कोऑपरेट करें। और तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी, सिटी पार्क।